झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर और शेयर बाजार का अपडेट लेकर। और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण आज आपका दिन कैसा रह सकता है राशियों के हिसाब से। आज आप क्या मुनाफा कमाने की स्थिति में हैं, क्या आज आपकी जेब में मुनाफा आएगा और किन राशियों को आज बचकर चलने की जरूरत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से आज के राशिफल से। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीबी पर। सुप्रभात अखिलेश साथी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित किया जा रहा है आज 9 मार्च 2022 बुधवार। आज सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। दोस्तों याद रखिएगा कि बाजार तेज है या मंदे, क्या आप कमा रहे हैं और आपकी कमाई कहाँ है, ये राशियों पर बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये इसके ऊपर हमेशा हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों राशियों के आधार के ऊपर आज सबसे पहले भारतीय ज्योतिष में राशियों को चार तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की तीन राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद रह सकता, करेक्शन, आज आपके लिए दिन मुश्किल भरा रह सकता है, आप परेशानियां झेल सकते हैं। आप लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, विशेषकर 2, 6, 10 ये है वृषभ, कन्या और मकर राशि यानी पृथ्वी तत्व की राशियां। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि आज आपके लिए दिन निश्चित रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि यह है वायु तत्व की राशियां, दिन आपके लिए संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है। यदि मुनाफा मिल रहा है तो तुरंत लेके निकल जाइए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 4, 8, 12 यह है जल तत्व की राशियां यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आपके लिए दिन निश्चित रह सकता है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, करूं ना करूं, रुक जाऊं देख लूं, इस तरह की डायलेमा यानी कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है, सावधानी पूर्वक ट्रेड करें। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी अगर बात करें यहाँ से अगर कम्युनिटी बाजार की, और तो कम्युनिटी बाजार में सबसे पहले आपसे कृषि फसलों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। कृषि फसलों में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अगर बात करें सबसे पहले अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में हमने एक सीमित दायरे में कारोबार देख रहे हैं और ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भी आने के बावजूद भी निचले स्तर पर खरीदारी ग्वार के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड में यहाँ से अब कुछ बढ़त बन पाएगी? देखिए ग्वार सीड की जो बाजार से जो खबरें निकल के आ रही हैं, यानी कल ग्वार में 10,400 बोरी की आवक रही, उसमें 8,900 तो नया था और 1,500 के लगभग पुराना ग्वार था। और यदि ग्वार की अभी तक की फसल के बाद में हम सोचें, यानी 1 अक्टूबर 2021 से अभी 2022 8 मार्च तक यदि हम लोग देखें, तो इसकी जो कुल आवक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको आप समझ लें, तभी दर्शकों को फायदा रहेगा कि 1 अक्टूबर 2021 से 8 मार्च 2022 तक जो रहा वो 27,47,39,700 की ये आवक थी और इसमें 8,900 का अभी और जो है, तो ये 27,48,600 बोरी के आसपास का माना जा रहा है। और इसके अंदर ये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ सूचना यहाँ भी इस तरह से भी मिल रही है
कि लगभग 30,92,900 बोरी की जो आवक है ये बाजारों में अभी तक देखने को मिली है। और यदि आप राजस्थान के भी भाव देखें तो पुराने गवार के भाव 5,200 से 5,600 रुपए के रहे और नए गवार के अंदर 5,100 से 5,650 के भाव रहे। हरियाणा से भी यही खबर निकल के आ रही है कि 5,300 से 5,600 के भाव है और नए गवार के भाव 5,000 से 5,600 के है और गुजरात 5,200 से 5,650 के रहे। और जो ये 10,000 के आसपास की जो ये आवक आ रही है ये अब एक सीमित दायरे में धीरे धीरे सिमट रही है। और गौरतलब ये है कि जैसे आपको पहले भी मैंने कल भी आपको बताया था कि गवार सीड को धैर्य से यदि जिसने खरीदा है वो हमेशा प्रॉफिट कमाता है और टाइमली प्रॉफिट बुक करने का हमेशा बेहतर रहेगा। कल बाजारों के अंदर गवार के अंदर उतार चढ़ाव था, आपने यही सवाल किया था कि गवार के अंदर क्या लग रहा है, तो गवार के लिए अंदर हमने ये कहा था कि धैर्यपूर्वक माल खरीदे, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आज गवार सीड के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है। जी जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि निचले स्तर से कुछ खरीदारी निकल के सामने आई है। धनिया और जीरे में देख रहे हैं कुछ बढ़त देखने को मिली है, धनिया फिर से 11,000 की ओर अग्रसर होता दिखाई दिया है। धनिया पर आपकी क्या राय रहेगी? अब धनिया के ऊपर याद है आपको अखिलेश जी, कल हमने धनिया के ऊपर बात की थी और आपको यही कहा था कि धनिया के अंदर पाइपलाइन खाली है और जो फसलों की जो खबर आ रही है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है और इसमें की बात नहीं है, इसको खरीद के चलना चाहिए। एक सर्वेक्षण भी आया है कि उसके हिसाब से धनिया की बुआई 25.4% और उपज 0.4% घट गई है। धनिया में गुजरात में 18.3% का उत्पादन घटा है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी उत्पादन 34 से 34% घटने की इसके समाचार नजर आ रहे हैं। और गुजरात में धनिया का उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष सबसे अधिक हुआ था और पिछले 2 वर्ष से अधिक गुजरात के किसानों द्वारा धनिया की बुआई में बड़े पैमाने पे हो रही है और चालू वर्ष में चना और सरसों की बुआई के बाद भारी आकर्षण धनिया में था और ये लगभग 15.6% ही इसकी थी। इसकी तुलना में मध्य प्रदेश में धनिया की बुआई 33.8% और राजस्थान में धनिया की बुआई 37.5% घट गई है। इन सबको देखते हुए जो है धनिया के अंदर मजबूती की संभावना बढ़ सकती है, यद्यपि गुजरात के अंदर धनिया का उत्पादन पहले नंबर पे आ रहा है और धनिया के टोटल जो उत्पादन है वो 25.8% कमी होने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये देश में धनिया का उत्पादन 72.70 लाख बोरी यानी 1 बोरी 40 रुपये की मानिए तो गत वर्ष की तुलना में धनिया का उत्पादन 25.23 लाख बोरी घटने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। इन सबको देखते हुए जो धनिया के कारोबारी हैं उनको धनिया धैर्यपूर्वक रोकना चाहिए और आज धनिया के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है। ये अखिलेश जी। जी, इसके साथ कर्नल जी, जीरे में आपको क्या लगता है? धनिया में तो तेजी की संभावना है तो क्या जीरे में भी तेजी की संभावना यहाँ से कुछ बन रही है, क्योंकि हमने वायदा में जीरे में भी निचले स्तर से खरीदारी आते हुए देखी है। देखिए जहां तक आपका धनिया के साथ साथ में यदि हम जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर भी जीरे का उत्पादन 37% कम होने की संभावना बन रही है। गुजरात में जीरे का उत्पादन 44% और राजस्थान में लगभग 32% जीरे का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है और देश में यदि जीरे की बुआई की भी बात करें तो ये 27.9% की कमी बताई जा रही है और प्रति हेक्टर जीरे का उपज 12.77% उतारा भी कम हो रहा है। तो उसको सबको देखते हुए जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि जीरे के अंदर धैर्यपूर्वक आपको रखना चाहिए और आज मुझे लगता है जीरे के अंदर इसका नतीजा मिल जाएगा, आपको जीरा अच्छा तेजी दिखा सकता है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसके साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री में देख रहे हैं कि सोना अपने रिकॉर्ड हाई से बस कुछ ही पॉइंट की दूरी पर है। 2065 पर हमने सुबह के कारोबारी सत्र में सोने को ट्रेड करता हुआ देख लिया है। 2075 का सोने ने 2020 लॉकडाउन के दौरान हाई लगाया था। आपको क्या लगता है, क्या सोना इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक क्या सोना नया रिकॉर्ड हाई लगा सकता है?
बिल्कुल आपको याद होगा दिवाली के विशेष अवसर पर और नए साल पर भी हमने कुछ आपको चर्चाएं की थी, उसमें यही कहा था कि चांदी इस बार ज्यादा चमकेगी और जबरदस्त मूवमेंट देगी, ये 75 से 80 हजार के भाव नजर आ सकते हैं और चांदी ने कल 73 हजार का भाव लगा दिया है। देखिए मार्च के महीने के अंदर ही अभी पूरा साल बाकी है और सोने के अंदर भी लगातार बड़ी जबरदस्त तेजी 56 हजार के आसपास की जो भाव थे ये आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सोने और चांदी के अंदर जब भी मैं आपसे बात करता हूँ आपको याद होगा कि हम एक दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन और जियो इकोनॉमिकल टेंशन। जब भी जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन होंगे तो सोने और चांदी के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। अभी वर्तमान समय के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच के अंदर जो तनातनी है, जो लड़ाई चल रही है, उसका असर सोने चांदी पर देखने को मिल रहा है और जो भी निवेशक हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने इसका भरपूर लाभ भी उठाया होगा। आपको याद होगा कल हमने आपको निकल में चलते चलते कहा था कि निकल और मेटल के अंदर मुझे तेजी नजर आ रही है और चांदी को बेचने से बचना चाहिए। आइए बड़ा आप देखिए कल के दर्शकों, यदि आप मेरा कल का शो आप दोबारा सुनेंगे अखिलेश जी के साथ, तो हमने यही बड़े कहे थे कल चांदी ने 73 हजार की लेवल क्रॉसिंग की थी और निकल ने तो लगभग 62% की एक तरफा तेजी दर्ज कर दी थी और उसके बाद फिर मुनाफा वसूली हुई थी। गौरतलब है निकल ने पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 100% यानी 100% से अधिक का रिटर्न निवेशकों को कमा के दिया। अब महत्वपूर्ण ये रहता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप फल पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है उसको पकने के बाद भी नहीं तोड़ोगे तो या तो उसको पक्षी खा लेंगे या फिर वो एक समय के बाद में वो पेड़ से फल झड़ जाएगा और नए बीज के रूप में काम धरती पर गिर जाएगा। तो मुनाफा जो टाइमली बुक कर लेता है वो हमेशा जीतता है और जो लालच और लालच और लालच और लालच करता है वो हमेशा परेशानियों का सबब देता है। तो कारोबार करना है आपको तो दो महत्वपूर्ण चीज रखिए कि अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करिए, उचित मुनाफा मिलने के ऊपर उससे संतुष्ट होइए और खरीद फरोख्त यानी तिजारत खरीद बेचना बाय एंड सेल ये एक सतत प्रक्रिया के अंदर चलनी चाहिए। अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करें, अपनी क्षमताओं से काम करें तो लंबे समय तक आप लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। कर्नल अजय जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सोने चांदी की जो कीमतें हैं लगातार तेजी की ओर हैं, तो क्या अगर युद्ध की स्थिति थोड़ी रुकती है या फिर माहौल थोड़ा ठंडा होता है तो क्या सोने चांदी की कीमतें यहां से नीचे भी आने की कुछ आशंका है या फिर सोने चांदी की कीमतें ऊपर ही बनी रहेंगी? हेलो कर्नल अजय जी, सोने चांदी पे आपको क्या लगता है जैसे अभी युद्ध की स्थिति है तो माहौल थोड़ा गर्म है, हर एक कम्युनिटी की कीमतें तेज हैं, तो अगर युद्ध का माहौल थोड़ा ठंडा होता है तो क्या सोने चांदी की कीमतों में नरमी आएगी या फिर कीमतें ऊपरी स्तर पर ही बनी रहेंगी तब भी? देखिए बड़ा जबरदस्त सवाल है कि पिछले लगभग 6 महीने से सोने चांदी के अंदर कोई बड़ा तेजी दर्ज नहीं हुई थी और वो बिल्कुल एक रेंज बाउंड यानी सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था और जैसे ही उनको एक मौका मिला जियोपॉलिटिकल टेंशन के वजह से और सोने और चांदी ने अपना रुख दिखा दिया। तो मुझे लगता है कि यदि आपका सवाल है कि युद्ध बंद होने के बाद क्या स्थिति रहेगी, जहां तक सवाल है युद्ध बंद होने के बाद क्या रहेगा, तो कुल मिला के जो एनुअल गेन है चांदी और सोने का उससे अभी भी ये जादुई आंकड़े से ये दूर है, उसमें अभी और हो सकता है लेकिन वो एनुअल टारगेट होते हैं, वार्षिक टारगेट होते हैं और युद्ध यदि बंद हो जाता है उस तुरंत तो उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ सकता है। ये अखिलेश जी, जी इसी के साथ कर्नल जी जी बात करें यहां से अगर अब कच्चे तेल की क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी हमने आज $139 पर ट्रेडिंग होते हुए देखी है। कच्चे तेल में आज भी बढ़त का दौर जारी है और खबरें भी हैं कि अमेरिका ने रूसी कच्चा तेल, गैस और एनर्जी इंपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, उन पर बैन लगा दिया है और जो यूके है वो भी अब इसी प्रक्रिया में है। आपको क्या लगता है क्या ऐसा करने से कच्चे तेल की जो मार्केट है अभी और ज्यादा उछलने वाली है? देखिए अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है, इसका प्रभाव भारत सहित पूरे विश्व में पड़ने की संभावना है और यूरोपीय देश में तो इस प्रतिबंध का जो पालन करते हैं तो पूरे यूरोप में ऊर्जा का संकट पैदा हो जाएगा। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ अपनी जरूरत का 40% गैस और 50% कोयला और एक तिहाई यानी 1/3 तेल रूस से आयात करता है।
दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 8 से 10% रूस से ही आता है और रूस हर रोज 70 लाख बैरल कच्चा तेल का निर्यात करता है। इससे अधिकतर हिस्सा यूरोप के हिस्से में जाता है और ये प्रतिबंध यदि लग जाता है तो सप्लाई बाधित होती है तो उससे पूरा यूरोप संकट में आ जाएगा और इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में पड़ने की संभावना बनेगी। और गौरतलब है कि रूस सबसे ज्यादा जो प्रतिबंधित देश है वो है स्विट्जरलैंड 568, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। ये सारे जो देश है ये अभी प्रतिबंध करते हैं तो ये सारी ये समस्या आ सकती है। और गैस की आपूर्ति यदि रुक जाती है या बाधित हो जाती है तो यूरोप बड़े संकट में आ जाएगा और वहां पे इंडस्ट्रियल उत्पादन हो या फिर घरेलू बिजली इन सभी पर संकट आ जाएगा। गौरतलब है कि हमने आपको युद्ध शुरू होने से पहले ही आपको आगाह किया था कि मार्च के महीने के अंदर ऊर्जा संकट की पूरी पूरी संभावनाएं बन सकती हैं और वो देखिए अब ऐसा माहौल बन रहा है और इसके अंदर बड़ी परेशानियां भी आ रही हैं। गौरतलब है कि यदि आपने देखा हो कि कुछ समय पहले भी कुछ महीनों पहले एक बार ऊर्जा संकट हुआ था, वो ऊर्जा संकट यूरोप में और चाइना दोनों जगह हुआ था और यूरोप में जो गैस लाइन की जो आपूर्ति के बीच में कोई डिस्टर्बेंस थी, टूट गई थी, उससे पूरा यूरोप बड़ा परेशान हो गया था, बड़ी दिक्कतें आई थी। तो लड़ाई यदि बढ़ती है और जिसकी संभावना अब धीरे धीरे, मैं ये आपसे एक और चर्चा करना चाहूंगा ताकि ये शो ऐतिहासिक बने, आने वाले कुछ समय के अंदर मुझे जो लगता है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक लड़ाई के माहौल अब धीरे धीरे बादल धीरे धीरे छटने लगेंगे क्योंकि यूक्रेन के सामने रशिया का जो प्रपोजल है कि नीटो में नहीं शामिल होना, वो उसको मानने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यद्यपि यूक्रेन रूस के ऊपर अमेरिका आइसोलेशन का प्रैक्टिस अपना रहा है, यानी उसको अलग थलग कर रहा है विश्व समुदाय से, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, उसकी इकोनॉमी को कलाप्स करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको तुरंत डायरेक्ट असर पड़े, लेकिन यूरोप के को ये चीजें मानने से यूरोप की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि रशिया उसका सबसे बड़ा सप्लायर है और यदि वहां से परेशानी आती है तो उसमें उस यूरोप को की बर्बादी तो बिल्कुल तय है, इसमें कोई भी दोहराए कोई शक नहीं है क्योंकि अल्टरनेट अरेंजमेंट करने के अंदर बरसों लगते हैं, वो एक दिन में नहीं पैदा हो जाती है ना एक दिन में होता है, चाहे वो खासकर विशेषकर जो एनर्जी है यानी ऊर्जा है, बिजली है, गैस है, तेल है, ये बहुत महंगे पड़ेंगे और दूसरा रशियन भी अपनी पूरी कोशिश करेगा। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे युद्ध के बादल कम छटने लगेंगे और यूक्रेन नीटो में नहीं शामिल होने का अपना निर्णय वो ले लेगा और इससे रशिया के पास युद्ध बंद करने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि 2-5-10 दिन से ज्यादा मुझे अब नहीं लगता है कि अभी और कोई युद्ध की स्थिति धीरे धीरे रहेगी, अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण डेट मैं घोषणा करना चाहता हूं वो है 20 मार्च। 20 मार्च के बाद सिचुएशन काफी हद तक काबू आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है, ये घोषणा मैं कर रहा हूं। ये आपसे 9 मार्च 2022 बुधवार समय लगभग 11:50, ये मैं आपको बता रहा हूं कि 20 मार्च के बाद में सिचुएशन काफी हद तक काबू आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। जी अखिलेश जी, जी कर्नल अजय जी, आपने ऐसा बोला कि 20 मार्च के बाद सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो सकती है, तो जानना चाहूंगा कि 20 मार्च के बाद ऐसा क्या होगा या इस दौरान के आसपास ऐसा क्या होगा जिससे सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो सकती है? देखिए जो अगले 10 दिन है, इस दस दिन के अंदर यूक्रेन अपना फैसला ले लेगा कि उसको नीटो में शामिल होना है या नहीं होना है, नंबर वन। नंबर टू, जो रशिया की जो दूसरी शर्तें हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन के अपर में जो राज्य हैं उनको मान्यता देना, नीटो में शामिल नहीं होना, ये दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं। यदि ये दो महत्वपूर्ण शर्तों के ऊपर यूक्रेन काम करेगा और इससे रशिया के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि अपना युद्ध बंद करे और धीरे धीरे जो आर्थिक प्रतिबंध है, वो जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने रशिया के ऊपर लगाए उसका भी असर रशिया की इकोनॉमी पे तो काफी पड़ रहा है, इसमें कोई दोहराय नहीं है कि उसकी बैंकिंग व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है, रशियन करेंसी के अंदर लगभग 70-75% से अधिक की गिरावट दर्ज हो गई है, रशियन बाजार बिल्कुल टूट चुके हैं, रशियन कंपनीज को बड़ी परेशानियां हो रही है, जिसको इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो सबको बड़ा परेशानी है। लेकिन
ये युद्ध के हालात में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और वो कोई भी जो देश इन परिस्थितियों को देखते हुए ही युद्ध का ऐलान करता है और वो इन चीजों के लिए मानसिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से तैयार होता है और उसके लिए वो अल्टरनेट अरेंजमेंट जरूर करता है। और पुतिन का जो नजरिया है, क्योंकि रशिया की यदि आप भौगोलिक स्थिति देखें तो उसके लगभग 13 देश उसे नीटो से ऑलरेडी उसमें शामिल हो चुके हैं और ये जॉर्जिया, ये यूक्रेन भी शामिल हो जाता है, तो इससे इससे रशिया की सीमाओं पर नीटो का प्रभाव का लगभग स्थापित हो जाता है और वो उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए पुतिन का कहना है कि ये रशिया के लिए राजनीतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो वो अपनी रक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है, ऐसा पुतिन का कहना है। और यदि हम भौगोलिक स्थिति भी देखें तो ये सामने नजर भी आ रहा है। अब यूक्रेन जो कि वीट का पांचवा बड़ा निर्यातक देश है, रशिया यानी गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, 3 करोड़ टन से ज्यादा वो निर्यात करता है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सनफ्लावर ऑयल और ये सब कुछ चीजें, खासकर फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीजें जो मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ, इसका पूरा असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है और उसका अब नतीजा धीरे धीरे आप देखने को मिल जाएगा। अब ये 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन की समाप्ति हो गई है, अब आने वाले 2-3 दिन के अंदर जब पेट्रोल के प्राइसेस 5 से 10 रुपए बढ़ेंगे, डीजल के प्राइसेस 5 से 10 रुपए बढ़ेंगे, तो उस वक्त देखिएगा कि भारत के अंदर भी बड़ी परेशानियां होंगी। यद्यपि भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा सकती है, चाहे वो भारत की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे अमेरिका की हो, जब महत्वपूर्ण देशों के बीच के अंदर आपस में तनातनी होती है तो इसका असर हर आमो खास पे पड़ता है, चाहे वो 5,000 किलोमीटर दूर बैठा हो या 30,000 किलोमीटर दूर बैठा हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये चीजें लंबे समय तक नहीं खींचे ये पूरी विश्व शांति के लिए जरूरी भी है। और मैं यही कहूंगा कि हमें जो भारतीय कर सकते हैं खाली प्रार्थना कि विश्व युद्ध में कन्वर्ट ना हो और रशिया और यूक्रेन को समझ आए और ये वापस हालात बिगड़े इससे पहले ये समाप्ति हो जाए, तो मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि 20 मार्च के बाद धीरे धीरे सिचुएशन काबू आ जाएगी और उसके बाद अप्रैल 15-14 के बाद में स्थिति काफी हद तक नॉर्मलाइज होने की संभावना बनती है। ये डेट आप नोट करें और मैं चाहूंगा कि ये जब ये स्थिति आ जाए उस वक्त हम दोबारा दिखाएं कि 20 मार्च से सिचुएशन काबू आएगी और 14-15 अप्रैल तक के बाद में ये स्थिति पूर्ण तरह से नॉर्मल होने की संभावना है। ये अखिलेश जी तो काफी बड़ी ऐतिहासिक भविष्यवाणी की है कर्नल अजय जी ने। कर्नल अजय जी के मुताबिक सिचुएशन जो अभी इस समय रूसिया और यूक्रेन के बीच चल रही है वो 20 मार्च के आसपास थोड़ी कूल डाउन होती नजर आ सकती है, थोड़ी ठीक होती नजर आ सकती है और अप्रैल के मध्य तक जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा और सुधार भी हो सकता है। इसी के साथ कर्नल अजय जी रुख करें अगर यहां से अगर अब स्टॉक मार्केट की तरफ, तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन संकट की वजह से भी देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी काफी गहरा असर आया है। मॉस्को एक्सचेंज बंद है, मॉस्को की जो इक्विटी मार्केट है वो बंद है रशिया में और हमने इसका असर इंडियन इक्विटी मार्केट पर भी पड़ता हुआ देखा है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे समय में इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहिए या फिर यहां से अभी बचना चाहिए? देखिए, भगोड़े विदेशी भाग रहे हैं, घरेलू निवेशकों के दम पर शेयर बाजार में रौनक रहेगी, ये मेरा कहना है, क्योंकि विदेशी लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में अपना पैसा निकाल रहे हैं। यदि हम भारत की विदेशी निवेशक जो भगोड़े हैं ये 12,437 करोड़ अक्टूबर महीने के अंदर 2021 में, 2521 करोड़ नवंबर महीने में, 29,702 करोड़ दिसंबर महीने में और जनवरी में 28,526 करोड़ रुपए और फरवरी के अंदर 38,068 करोड़ रुपए और मार्च में 34,084 करोड़ रुपए ये विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से लगातार निकाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये पिछले 6 महीने के आंकड़े हैं। और यदि हम थोड़े से आप देख लें कि भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट थी अब थोड़ी संभलनी चाहिए, घरेलू निवेशकों के दम पर शेयर बाजार ने अब बड़ी गिरावट को रोक लिया है, ये हमारी बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है, इसको आपको समझना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो गिरावट है हमारे यहाँ ही नहीं है, यदि आप डाउ जोन्स देखें तो
10.30, नासडाक अमरीकी 18.96 और जर्मनी करीबन 19% और फ्रांस लगभग 17% और जापान लगभग 15-15% इस जनवरी से और अब तक की गिरावट हो चुकी है। तो यानी सबसे ज्यादा गिरावट जर्मनी की यानी 19.87% और सबसे कम गिरावट अमेरिका 10.30% की इस साल देखी गई है। और कहा जा रहा है कि देखिए कि ये जो 10-20% की गिरावट जो है ये एक युद्ध को देखते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सामान्य सी बात मुझे लग रही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अभी भारत में भी जो है वो खरीदना चाहिए। एक और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि भारतीयों का अब विदेशी शेयरों में भी निवेश लगातार बढ़ रहा है और ये 64% सन 2021 में बढ़ चुका है। अभी भारतीयों ने पिछले साल विदेशी बाजारों में जमकर निवेश किया है और भारतीय निवेशक ने दिसंबर 2021 तक अमेरिकी सहित विश्व के अन्य शेयर बाजारों में लगभग 67.38 करोड़ डॉलर यानी लगभग 5,000 करोड़ का निवेश कर दिया है, जो दिसंबर 2020 में किए गए विदेशी निवेश से 64% अधिक है। तो ये जो आंकड़े हैं वो आरबीआई ने जारी किए हैं कि भारतीय नागरिकों ने वर्ष 2012 के बाद सन 2021 में विदेशी निवेश पर सबसे अधिक ध्यान दिया है और ये एनएससी के ऊपर भी कुछ विदेशी स्टॉक लिस्टेड हो रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए ये एक संकेत है कि भारतीय निवेशक अब बहुत धीरे धीरे चतुराई भरा निर्णय ले रहे हैं और वो विदेशी निवेशकों को पूरा पैसा निकालने के बाद भी उसमें लगातार रुचि देख रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है और जहां तक आज का सवाल है मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स के ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी, टीसीएस इंफोसिस और विप्रो जैसे और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पे नजर रखना चाहिए। ये अखिलेश जी कहना चाहिए तो आज कुछ ऐसा रह सकता है कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।